आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बताइए अबे जी, कहाँ आ रहे हैं आप? ये हमारे रेवड़ा पंचायत का ईदगाह चौक है। हाँ जी। देश का आजादी का यह विकसित करने का मतलब कि विकासशील से विकसित पंचायत हमारा है। और देखिए 73 साल में यह विकास के मामला में कहाँ खड़ा है। हर साल यहाँ पे ईदगाह पर बुझे की पंचायत में बाढ़ की राजधानी कहिए तो ये बाढ़ की राजधानी है यहाँ पर। सारे लोग का देखिए मकान यहाँ पर नूरुल होदा जी की मकान गिर गया है। समझे ना, कल से डीएम को फोन किए कोई सुनवाई नहीं, एसडीओ को फोन किए कोई सुनवाई नहीं, सीओ साहब को फोन किए कोई सुनवाई नहीं। आपदा में कुछ मदद के लिए नहीं कोई सुने है तो मैं अपने तरफ से सभी भाई के तरफ से अब के साथ में लेके जो आर्थिक यानी आर्थिक नहीं जो मदद है जैसे कि आपदा में थोड़ा सा मैं अपने तरफ से चूरा चावल मीठा साबुन सोयाबीन प्याज वगैरह इन लोग को के गरीब भाई के बीच में मदद कर रहा हूँ। मैं समाज सेवी अवध किशोर प्रसाद। ठीक है। हाँ जी सवान जी, आप कुछ बोलिएगा जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे अवध किशोर प्रसाद जी जो हमारे रेवड़ा पंचायत के ही निवासी हैं और इन्होंने जो समाज सेवी के प्रति ये काम करने जा रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर कोई अगला प्रतिनिधि या कोई भी विधायक या कोई प्रशासन का कोई यहाँ पे सहयोग नहीं मिल रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अवध जी ने जो बात कहा वो बिल्कुल सही कहा और हमारे बीच आए हमसे ये बात कहे, हमने कहा कि चलिए देखा जाए किसके साथ क्या प्रॉब्लम है ना, इसको हम सभी भाई मिलकर सॉल्व किया जाए। और यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है कि नूरुल होदा साहब का अभी कैमरा मैन आप लोग दिखा सकते हैं कि जो गिरा है मकान यहाँ पे बहुत सारी झोपड़ियों वगैरह है, कब क्या घटना हो सकती है इसका कोई बताया नहीं जा सकता है। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊँ, अगर ज्यादा आपके दौर में बोला भी जाए तो लोग कहेगा कि अपनी बड़ाई अपनी खुद करता है। आप लोगों के बीच है कि इसकी क्या क्रिया आगे की जाएगी। यहाँ का मुखिया क्या करे आपके लिए, यहाँ का जो मुखिया जी है वो क्या करे आपके लिए? अभी तक मुखिया जी से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, न मुखिया जी हमसे मिले हैं, न यहाँ पर के कोई कुछ लोग हैं जो समाज से भी उनसे न कोई मुलाकात हुई है न कोई बात नहीं हुई। इस बीच में अभी हम क्या बोल सकते हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि क्या मुखिया जी हम लोगों के बीच आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। घर देख लिए तो क्या परेशानी बताओ ना, आप लोग का परेशानी है घर आके देखिए तब ना पानी परेशानी बताइए ना क्या परेशानी है। मैं जाके बताऊं ना जो हमारी जी पानी है हमरे रहता पुल का सामने सामने पुल हम के घर में टकराया लगा। अच्छा तो क्या आप कहना चाह रही सरकार से समाज से या उससे, आप क्या कह रही है सरपंच से क्या करना चाहिए बताइए। कहना कि उसका मिलना चाहिए रुपया, रुपया मिलना चाहिए। हाँ। मुआवजा आपको रास्ता निकालना चाहिए पानी। हाँ। मुखिया नहीं आया ना, कहाँ ला मुखिया नहीं आया आपसे कुछ देने के लिए? समस्या अपनी बताइए, परेशानी क्या परेशानी आपको? हाँ कुछ दल के अभी बउआ। अच्छा तो आपके घर तक पानी है? हाँ देखो वो घर का कोई पानी चला जी बउआ। अच्छा घर है। हेलो हाँ खाने पीने की परेशानी है आपके पास? है ना परेशानी। अच्छा दवाई वाला गेल लिंकर देना दे गेल लिंकर सब कुछ में दिक्कत हुआ, छोटा छोटा बच्चा हसीन भाई के बेटा है वहाँ पर परेशानी हुआ है।